राजधानी दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर उत्पात हुआ। पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आईटीओ पर सबसे ज़्यादा बेकाबू हालात दिखे। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में शांति भंग की तस्वीरें सामने आईं। किसान बैरिकेड तोड़कर राजधानी दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली के कई इलाकों से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। NS-24 से होते हुए किसानों ने रास्ते में पड़े बैरिकेड तोड़ दिए और अक्षरधाम की तरफ से आगे बढ़े। इसके बाद आईटीओ पर सबसे ज़्यादा बवाल देखने को मिला। पुलिस को यहां किसानों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आईटीओ के पास ही एक DTC बस को नुकसान पहुंचाया गया। इसके शीशे तोड़ दिए गए। आईटीओ पर ही कुछ लोगों ने पुलिस को पकड़ लिया। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों में से ही कुछ लोगों ने पुलिस को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। किसानों के इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो को भी अपनी सेवा रोकनी पड़ी। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके बताया कि समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18-19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आज़ादपुर, मॉडल टाउन, GTV नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइंस, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान जब आईटीओ के पास बवाल बढ़ा तो आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए। आईटीओ पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।